हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक नए टॉपिक को आप सभी के साथ। आज का जो हमारा गाइस टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट। एक अच्छे परीक्षण में या एक अच्छे जो भी आपका परीक्षण है जिसे आप आंकलन करते हैं उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम इस बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो मैं ट्राई करूंगी कि ये जितने भी अच्छे परीक्षण की कुछ विशेषताएं होती हैं इन्हें मैं इस वीडियो में कवर करूँ, पूरी ईजी वे में आपको समझा सकूँ। ओके, सो वीडियो जरूर पूरी देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते, मैं वहां भी पढ़ाती हूं, तो जिसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देखेंगे फटाफट से एक अच्छे परीक्षण की, ठीक है, एक अच्छा टेस्ट जो है उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्वालिटी आती है वैलिडिटी। ये जो आगे के तीन पॉइंट है ना गाइस, ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है, जैसे कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये तीनों जो पॉइंट्स है यहाँ से पेपर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कंफ्यूजन भी ज्यादा होती है, ठीक है। और इसके अलावा नॉर्म्स है, इकोनॉमिकल है, पर्पसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है, डिस्क्रिमिनेशन, प्रैक्टिबिलिटी एंड बैलेंस। तो ये इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की, और फर्स्ट पॉइंट है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब क्या है? वैधता, हिंदी में क्या कहेंगे? वैधता कहेंगे। अब इस वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि आपने जिस चीज के लिए उस टेस्ट को बनाया है क्या वो टेस्ट उस चीज की पूर्ति कर रहा है, ठीक है। क्या आपने जो टेस्ट बनाया है क्या वो उस चीज के लिए उस चीज को टेस्ट कर रहा है जिसके लिए आपने इसको बनाया है? अगर कर रहा है तो वैलिड है, नहीं तो नहीं है। एक एग्जांपल देती हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा वैलिडिटी के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं आपका एग्जांपल लेके चलती हूँ। मान लीजिए कि मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, किसका, मान लो कि मैं ले रही हूँ आपका CDP का टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी का मैं आपका CTET के लिए 30 मार्क्स का क्या ले रही हूँ, आपका मैं टेस्ट ले रही हूँ मान लो, ठीक है ना। अब वैलिड कब होगा मेरा टेस्ट? जब मैंने जिस चीज के लिए वो टेस्ट बनाया है उस चीज की पूर्ति होनी चाहिए। मान लो मुझे आपका CDP चेक करना है, आपको कितनी नॉलेज है चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो मैं क्या करूंगी, मैं उन क्वेश्चंस को ऐड करूंगी, मैं उन क्वेश्चन से पूछूंगी जो CDP में आता है आपके, जैसे कि ग्रोथ है, डेवलपमेंट है या कोई भी है। सो वैलिडिटी क्या होती है कि जिस चीज के लिए आप बना रहे हो क्या वो उस चीज की पूर्ति कर रहा है। मान लो मैंने आपका 30 मार्क्स का CDP बनाया है, और मान लो कि मैं इसमें आपसे इंग्लिश पैडागोजी पूछ लूं, मान लो कि मैंने आपसे इसमें इंग्लिश पैडागोजी के क्वेश्चंस रख दिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मैथ्स के रख दिए, कुछ क्वेश्चंस मान लो फाइव क्वेश्चन इसमें से मैंने दे दिए। तो क्या है कि यहाँ पर CDP का मुझे टेस्ट लेना था ना, तो वो चीज नहीं माप रहा। तो वैलिड एक टेस्ट कब होता है? जब आपने जिस चीज के लिए उसको बनाया है उस चीज की पूर्ति वो टेस्ट कर रहा हो तभी उसको वैलिड माना जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और अगर मैं दूं, मान लीजिए एक टीचर ने टेस्ट बनाया मल्टीप्लीकेशन, मान लो कि बच्चों में मल्टीप्लीकेशन उसको आता है या नहीं आता है, मल्टीप्लीकेशन का टेस्ट टीचर बना रही है, मान लो मल्टीप्लीकेशन का टेस्ट बना रही है, लेकिन टीचर ने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन देने के बजाय मान लो डिवाइड दे दिया, माइनस दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे दिया, तो यहाँ क्या है वो टेस्ट जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड कब माना जाएगा? जब उसके ऑब्जेक्टिव भी पूरे हों और जिस चीज के लिए उसे बनाया है वो भी पूरे होने चाहिए, ठीक है गाइस। सो ये था वैलिडिटी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ज्यादा लिख नहीं रही हूँ, बस मेन पॉइंट्स आपको मैं क्लियर कर रही हूँ। सेकंड पे आते हैं, सेकंड आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है विश्वसनीयता, हिंदी में कहेंगे, मतलब जिस पे आप विश्वास करें, मतलब आपने जो टेस्ट बनाया है उस पे हम विश्वास करें। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, संगतता होनी चाहिए टेस्ट में। अब एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लो मैंने आपका वही CDP का टेस्ट लिया, मान लो आप हो या मान लो ये एक बच्चा है, इसका मैंने CDP का टेस्ट लिया, मान लो कि कल मैंने इसका टेस्ट CDP का, और इसके 30 मार्क्स का मेरा टेस्ट था, 30 में से इसके आ गए मान लो
28 मार्क्स, कितने आए इसके 28 मार्क्स आए। अब रिलायबिलिटी कब होगी टेस्ट में उस पे चलते हैं, ठीक है। मान लो 28 मार्क्स आज लेकर के आया, कल लाया, अब मैंने आज के दिन उसका फिर से अगेन मैंने यही वाला टेस्ट ले लिया, फिर से मैंने सीडीपी लिया सेम, ठीक है, फिर से मैंने सीडीपी का टेस्ट ले लिया, यही वाला सेम क्वेश्चन सेम सब कुछ मैंने उसका टेस्ट दोबारा लिया। अब इस बार बच्चे के मार्क्स क्या है, इस बार भी 28 ही आए, एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे तो आज भी उसके जो है 28 मार्क्स आए। इसके 5 डेज बाद मैंने यही टेस्ट दोबारा लिया, ठीक है, सेम टेस्ट दोबारा लिया, उसके फिर से 28 मार्क्स आए, यानी कि 28 28 28 हर बार कंसिस्टेंसी बराबर है। तो इसका मतलब टेस्ट कैसा हुआ, रिलायबल हुआ। इसी को रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता का गुण कहते हैं, जिस पर विश्वास किया जा सके, ठीक है। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मान लो एक क्लास है जहां पे बच्चों के मार्क्स जो है, एक बच्चे के मार्क्स 50 में से 40 आए, 50 में से कितने आए उसके 40 मार्क्स वो लेकर के आया मैथ्स में कितने लाया 40 लाया। अब मान लो वही टेस्ट मैंने उसका डेली मैंने वही टेस्ट लिया, अगले दिन उसके मार्क्स, पहले दिन 40 आए, अगले दिन मैंने यही टेस्ट लिया तो उसके मार्क्स आए 30, उसके नेक्स्ट 2 दिन बाद मैंने फिर से वही टेस्ट लिया तो उसके आए वहां पे मान लो 20 मार्क्स आए। तो यहां पर टेस्ट कैसा है, रिलायबल नहीं है, टेस्ट की विश्वसनीयता नहीं है। विश्वसनीयता कब होगी, जब आप समान जो टेस्ट है, जो आपने परीक्षण लिया है, आप उसको बार बार ले रहे हो और बार बार रिजल्ट सेम आए, तो इसका मतलब उसको क्या कहेंगे हम, रिलायबिलिटी कहेंगे। ओके गाइस, ये थे कुछ 2 पॉइंट बहुत ही ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट जो आते हैं जहां से, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला आता है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। ये ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि यहाँ पर पर्सन, किसी भी पर्सन का या इन्वेजिलेटर का या जो एग्जामिनर है उसके थिंकिंग का प्रभाव आपके टेस्ट पर नहीं पड़ना चाहिए। मान लो 2 लोग हैं, आप हो और मैं हूं, हम 2 टीचर हैं। मान लो हम दोनों ने एक बच्चा है उसका मैथ्स का टेस्ट लिया, ठीक है, मान लो मैथ्स का लिया या सोशल स्टडीज का मैंने टेस्ट ले लिया, तो आपने मार्क्स उसी सेम बच्चे को सेम बच्चा है सेम सब्जेक्ट है, आपने उस सब्जेक्ट में उसको 50 में से जो है कितने दिए आपने उसको, मान लो 30 दे दिए, मान लो आपने उसको 30 मार्क्स दिए और वहां पे मैंने उसको 50 में से 50 दे दिए। समझ आ रहा है क्या कह रही हूं मैं, एक बच्चा है, सेम टेस्ट है, सेम सब्जेक्ट है, सेम क्वेश्चंस हैं, पर आपने उसको 30 मार्क्स दिए, मैंने उसको 50 में से 50 फुल दे दिए। तो यहां पर क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी नहीं है ना। 2 पर्सन है, दोनों ने अलग अलग मार्क्स दिए हैं। ऑब्जेक्टिविटी कब होती है, जब आपने भी अप्रोक्स उतने ही मार्क्स दिए हो, मैंने भी उतने ही दिए हूं। अगर मान लो 50 में से मैंने उसको 50 दिए हैं और आपने अगर उसको 50 में से 49 दिए हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्टिविटी है, इसको हम बोलेंगे कि वस्तुनिष्ठ है टेस्ट। टेस्ट की वस्तुनिष्ठता का मतलब यह है कि किसी पर्सन का प्रभाव नहीं होना चाहिए। एक टीचर है जो 100 में से 80 दे रहा है, दूसरा टीचर 100 में से 40 दे रहा है, तो इसका मतलब टेस्ट क्या है, रिलायबल, या जो उसका जो वस्तुनिष्ठता है टेस्ट की वो नहीं है। ओके गाइस, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब है मानक होना चाहिए, कोई भी टेस्ट आप बना रहे हो उसका एक मानक होना चाहिए। मानक जो है वो एज के अकॉर्डिंग हो सकता है, क्लास के अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है, आपकी जो है एज है लेवल के अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। तो एक मानक होना चाहिए, हर टेस्ट में एक मानक होता है। जैसे SSC का पेपर देते हो, SSC का एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। CTET का देते हो, CTET का एक स्टैंडर्ड है। तो हर टेस्ट का एक गुण है कि उसके अंदर मानक या नॉर्म्स होने चाहिए, चाहे वो परसेंटेज में हो, चाहे वो मार्क्स में हो, चाहे वो एज में हो, ठीक है। अगला आता है मितव्यता। इकोनॉमिकल का मतलब है कि जो सेव करे टाइम, टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो टीचर का टाइम और एनर्जी को, टाइम और एनर्जी को क्या कर सके, सेव कर सके, ज्यादा जिसमें खर्चा भी ना हो, उसमें उसका टीचर का टाइम भी सेव हो रहा है और उसकी एनर्जी भी सेव
हो रही है, तो टेस्ट ऐसा होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, बड़े बड़े एग्जाम्स में हमारा कैसा टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे जो है मितव्यता भी हो जाती है और ऑब्जेक्टिविटी का भी गुण भी हो जाता है, ठीक है। अगला आता है पर्पस, पर्पसिव, यानी कि उद्देश्यपूर्णता। उद्देश्यपूर्णता का मतलब नाम से क्या लग रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए आपने वो टेस्ट बनाया है वो उद्देश्य उसके पूरे होने चाहिए उस टेस्ट में। मान लो आपको बच्चे का मल्टीप्लीकेशन चेक करना था, तो आप क्या करेंगे उस टेस्ट में उन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादा ज्यादा आप उसमें ऐड करोगे ताकि आपके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। ऐसे ही हमारी शिक्षा में होता है, जो भी हमारे पेपर है, जो भी हमारा एग्जाम है, वो कैसे होते हैं ताकि वो उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। जैसे अगर सीटेट का एग्जाम हो रहा है, अगर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड उनको जानना है तो वैसे ही क्वेश्चंस होने चाहिए। तो एक टेस्ट कैसा होना चाहिए जो उद्देश्यों की पूर्ति करे। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कि टेस्ट कैसा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। अब ये व्यापकता का मतलब है कि भाई आपके सारे आस्पेक्ट, ऑल आस्पेक्ट को उसको मापना चाहिए, ठीक है, जितने भी आपके आस्पेक्ट्स हैं उसको मापना चाहिए व्यापकता, ठीक है। व्यापक कितना है वो, कॉम्प्रिहेंसिव कितना है। आपने देखा होगा कि पेपर में वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, फिर वन वर्ड होते हैं वन मार्क्स के, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और एंड में 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्या है, व्यापकता को दिखा रहा है। टेस्ट क्या है, व्यापक है, हर तरह के प्रश्नों को ऐड किया जाता है। वन वर्ड भी है, मल्टीपल चॉइस भी है, आपके निबंध वाले प्रश्न भी हैं, आपके जो है हॉट्स टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। तो यानी कि टेस्ट कैसा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। उसके बाद आता है विभेदकता। अब ये डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है उसके अंदर विभेदकता का गुण होना चाहिए। विभेदकता का मतलब है कि बच्चों में ऐसा टेस्ट होना चाहिए जो बच्चों में विभेद कर सके। विभेद का मतलब क्या है, विभेद मतलब यहाँ नेगेटिव में हम नहीं लेंगे, विभेद का मतलब है कि अगर एक टेस्ट आप ले रहे हो तो उससे पता लगना चाहिए कि ये बच्चा जो है इतना ये गिफ्टेड है, या ये एवरेज है, या ये इसको जरूरत है निदान की या उपचार की। टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों में विभेद कर सके कि किसको निदान करने की जरूरत है, किसको उपचार करने की जरूरत है, किसको जो है इनरिच करिकुलम देने की जरूरत है। तो टेस्ट कैसा होना चाहिए, विभेदकता का गुण होना चाहिए, ताकि टीचर को बच्चों के बारे में पता चले कि कौन है जिसने अच्छा किया, या किस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। तो ये कैसा गुण है टेस्ट में, विभेदकता का गुण होना चाहिए। उसके बाद आता है व्यवहारिकता का गुण। व्यवहारिकता का मतलब होता है कि टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसे बच्चा अपने जीवन में, अपने व्यवहार में ला सके, अपने डेली लाइफ में उस चीज को वो यूज कर सके। वो कौन सा गुण है, प्रैक्टिकबिलिटी या व्यवहारिकता, अपने जीवन में उस चीज का यूज करे। जो भी वो टेस्ट दे रहा है, जो भी आप उसका टेस्ट या आकलन करते हो या जो टेस्ट लेते हो, उसका एक फायदा ये होना चाहिए कि वो अपने आगे भी उस चीज को अप्लाई करे। मान लीजिए आपने मल्टीप्लिकेशन का टेस्ट लिया, तो उसको आपने जो मल्टीप्लिकेशन का टेस्ट वहां पे लिया है, उस मल्टीप्लिकेशन को वो यूज भी करे आगे जाके। ऐसा होना चाहिए टेस्ट, व्यवहारिकता का गुण होना चाहिए। उसके बाद लास्ट आता है बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ पे मार्क्स का अगर आप वहां पे बच्चों मार्क्स का अगर आप क्राइटेरिया सेट कर रहे हो, तो वहां पर एक टेस्ट में बैलेंस होना चाहिए। जैसे टेस्ट में क्या है कि भाई 40% आप जो है वो एवरेज क्वेश्चन दोगे, 40% जो है वो इजी दोगे, ठीक है। उसके बाद आप 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होंगे टेस्ट में। आपने देखा होगा कई बार हमारे पेपर होते हैं तो क्या होता है, पेपर में इजी क्वेश्चन भी है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, मॉडरेट क्वेश्चन भी है। तो ये क्या है, एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इजी दे दिए भर भर के, आपने सिर्फ डिफिकल्टी दे दिए भर भर के क्वेश्चन, तो डिफिकल्ट तो नहीं कर पाएंगे सभी बच्चे, और इजी अगर हो गया तो भी टेस्ट क्या है, बैलेंस नहीं है। तो टेस्ट कैसा होना चाहिए, हमारा बैलेंस होना चाहिए। ओके गाइस, सो ये कुछ 10 पॉइंट्स थे जो मैंने ट्राई किया है आपको समझाने का। आई होप आपको ये 10 पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ओके, और अगली वीडियो में मिलेंगे जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई सजेशन है दीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।